आज का प्रेरणा पाते अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड भीतर होता है और ये संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पे सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे अचेतन मन से, जो कि जब कर्मों का उदय होता है, शुभ और अशुभ भाव होते हैं, तो अवचेतन मन में आकर के वो कलर्ड लेशियाएँ बन जाती है। 6 तरह की लेशियाएँ, 3 तो शुभ लेशियाएँ होती है जो कि चमकदार कलर की होती है, तो जो उसके अंदर जो है वो हमारा तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएँ होती है। तेजो लेशिया होती है वह चमकता हुआ गुलाबी रंग, सूर्योदय की लालिमा वाला गुलाबी रंग होता है जो हमें एकदम अच्छी शांति देता है जब उदय में आते हैं। और दूसरा जो है पीला गहरा चमकता हुआ हल्दी का कलर है, वो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। और तीसरा शुक्ल लेशिया होती है, वो पवित्रता से जुड़े होती है, जहाँ जहाँ नेगेटिविटी समाप्त होती है वहाँ वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी उतनी जो है वो प्योरिटी बढ़ती है। ये सारा कार्य अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वो कन्वर्शन करता है हमारे जो भाव आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये अवचेतन मन से, जो कि जो चेतन मन से शरीर से जुड़ी होती है, तो बुद्धि से जाकर के बुद्धि या मन के पास में या चित्त के पास जाकर के, और वो जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो भाव आ जाते हैं, जो कि वाइब्रेशन से द्रव्य बदल जाते हैं और वही जो भाव विचार बन जाते हैं, द्रव्य बनते हैं और विचार बन करके पूरे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं, और फैल करके फिर हाथों को पांवों को वो जो निर्देश देते हैं और वो कार्य होने लग जाता है।